हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर मोबाइल में मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, और ऐड करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, प्लगइन का यूज करेंगे। देखिए, जो मेन्यू ऐड होगा वो होगा रिस्पॉन्सिव मेन्यू, मतलब मोबाइल में एकदम परफेक्टली खुलेगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, ये जो वेबसाइट है ये क्या है, गेट कैब इंडिया, आपके सामने मैंने ओपन कर रखी है। ये जो मेन्यूज जो दिख रहा है, अबाउट कार रेंटल पैकेजेस सर्विसेज, ये जो मेन्यू है ये डेस्कटॉप का मेन्यू है। अब इसको मोबाइल पे अगर आप इसको डिस्प्ले करते हो तो इसका मेन्यू कैसा दिखता है। तो मोबाइल पे अगर इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल पे ओपन करना जरूरी नहीं है, मैं यहीं से आपको मोबाइल पे दिखा देता हूं। इंस्पेक्ट करेंगे, ये आपको टूल दे देगा। टूल का मतलब क्या होगा, वो चेक करने के लिए होता है कि वो मोबाइल में आपकी वेबसाइट का व्यू कैसा है। तो देखिए, कॉर्नर में ये मोबाइल का आइकन बना हुआ है, आप यहां से इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर ये जो वेबसाइट है आपके मोबाइल की स्क्रीन जैसी खुल जाएगी, जैसे आपके मोबाइल में आपने वेबसाइट को ओपन किया है वैसा ही यहां पे भी दिखने लगेगा। तो ये जो मेन्यू है, देखिए ऐसा मेन्यू हमें क्या करना है, बनाना है। अब देखिए, इसमें आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इस पूरे बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम क्या है, रिस्पॉन्सिव मेन्यू। अब प्लगइन यूज कहां से होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्लगइन यूज करने के लिए आप कहां पे जाएंगे, डैशबोर्ड में यहां पे प्लगइन्स में एड न्यू पे आप यहां पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पे प्लगइन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। देखिए, प्लगइन का नाम है रिस्पॉन्सिव मेन्यू। देखिए यहां पे आ गया रिस्पॉन्सिव मेन्यू, और आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। देखिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, और आप यहां से इसको क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप यहां पे इंस्पेक्ट कीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए, ये मोबाइल के स्क्रीन में खुल गई, और यहां पे देखिए आपका आइकन बना हुआ आ गया है। आइकन ये कब बना हुआ आएगा, जब आपका प्लगइन इंस्टॉल होगा और एक्टिव होगा। डिफॉल्ट में ये ब्लैक कलर देगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके कलर को क्या कर रखा है, सेट कर रखा था पहले से, इसलिए ये कलर दे रहा है। मैं कलर चेंज करना भी बताऊंगा कि आप कलर कहां से चेंज कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, ये यहां पे क्लिक होगा तो आपका डेस्कटॉप का वर्जन दिख जाएगा, जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल के वर्जन में आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और यहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका मेन्यू क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। देखिए, और यहां पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है। देखिए, तो ये पूरा प्लगइन आपको प्रोवाइड करा रहा है। अब देखिए, प्लगइन के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं जो आपको जरूरत होने वाली है। यहां पे जाएंगे आप, रिस्पॉन्सिव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेटअप पे आप क्लिक कर दीजिए। पहले पे देखिए, पहला आ रहा है यहां पे 467 लिखा हुआ है। 467 क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप पहले बताइए कि मोबाइल के डिवाइस की विड्थ कितनी होती है। तो मोबाइल की डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रखा है 467। अगर आपको लगता है कि आपकी मोबाइल की विड्थ 500 पिक्सल तक जा सकती है तो आप यहां पे 500 पिक्सल कर सकते हैं। 500 पिक्सल करने का मतलब यह हुआ कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन की विड्थ जो 500 पिक्सल तक है तो ये मेन्यू आपको डिस्प्ले होगा, नहीं तो डिस्प्ले नहीं होगा। और 500 करने के बाद आप यहां पे अपडेट कर दीजिए। देखिए, यहां पे जब जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको दिख रहा है। देखिए, मेन्यू आ ही रहा है, यहां पे क्लिक करने पे ये शो भी हो रहा है। यहां पे देखिए, ये विड्थ बता रहा है कि 425 में, अगर मैंने यहां पे 501 कर दिया और एंटर कर दिया, देखिए ये मेन्यू नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने विड्थ बताई है कि वो 500 पिक्सल तक ही मेन्यू आपके सामने क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो आप यहां पे 467 करके देख लीजिए, देखिए मेन्यू आ गया है। आप यहां पे देख लीजिए 320 किसके रही से होता है, आईफोन की जो विड्थ होती है वो 320 के आसपास होती है, आईफोन 5 की। और यहां पे देखिए मेन्यू आ रहा है, क्लिक करने पे ये मेन्यू इधर से खुल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो आपको इसको कलर चेंज करना है, मान लो ये बटन का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो कहां से होगा। देखो, सारे ऑप्शन यहां पे अवेलेबल हैं। मेन्यूज में जाएंगे तो मेन्यूज में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कैसा बैकग्राउंड चाहते हैं। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद देखिए, फॉन्ट का साइज कितना चाहिए ये आप बता दीजिए, आइटम हाइट कितना चाहिए ये आप बता दीजिएगा। देखिए, ये होता है आपका आइटम बॉर्डर, कि आइटम का बॉर्डर कैसा चाहिए। अपन चलते हैं आइटम बैकग्राउंड की तरफ। देखिए, अब आइटम बैकग्राउंड आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहां से क्या कर देता हूं, मान लीजिए रेड कलर का बैकग्राउंड कर दिया, यहां भी मैंने थोड़ा रेड टाइप का ले लिया है। और आइटम जो आपका एक्टिव आइटम होगा, एक्टिव आइटम का मतलब कौन से पेज पे हो, उसका कलर मैंने ब्लैक ही कर रखा है। होवर का आइटम बता दीजिए, होवर का आइटम भी थोड़ा रेडिश टाइप का कर दिया। और यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, नीचे जाके ऑप्शन है अपडेट ऑप्शन, अपडेट ऑप्शन पे मैं क्या कर देता हूं, क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आप यहां पे रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने के बाद आप इसको क्लिक करिए, देखिए थोड़ा रेड टाइप का हो गया है आपका। तो ये पूरा का पूरा रेड कहां से हुआ है, अंदर की साइड से ही आपने किया है। देखिए, आपके सामने रेड हो गया। आपको और भी उसमें ऑप्शन है कि आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या कलर, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, ये पूरे पैनल का कलर चेंज करना है, ये ऑप्शन उसके अंदर है। आप एक एक करके देखिए और वहां पे आप फिल करिए, कलर को सेलेक्ट करिए, और आप वहां पे जाके अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करिए और आके चेक कर सकते हैं आप एक एक चीज, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कलर डिजाइन कैसे हो रहा है।
आपको कोडिंग से कुछ नहीं करना, अंदर एक टूल टाइप का है वहीं से सारा काम क्या करना है करना है। आपको बटन का कलर भी करना है तो बटन के कलर के लिए ये बटन का ऑप्शन बना हुआ देखिए ऊपर, तो इस बटन पे जाएंगे तो बटन क्या का भी आप क्या कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं, हाइट विड्थ कितनी लेनी है, बैकग्राउंड क्या करना है, ये सारा काम भी आप बटन के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा का सारा ऑप्शन कहाँ पे है, प्लगइन के अंदर है। अब प्लगइन इंस्टॉल्ड करते ही और एक्टिव करते ही आपका मेन्यू ऑटोमेटिक टॉप बार में यहाँ पे सेट हो जाता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं। ये इसको बताया गया है कि डिफॉल्ट में कहाँ कॉल होगा, टॉप में, वो भी राइट साइड में। मगर एक चीज नोटिस करिएगा गाइस, यहाँ पे आप देखिए एक मेन्यू और आ रहा है, तो ये मेन्यू हमें कौन दे रहा है, थीम प्रोवाइड करा रही है। ये थीम जिसने डेवलप किया होगा उसने इस मेन्यू को क्या किया होगा, बनाया होगा। अपने को अगर अच्छा मेन्यू चाहिए तो हम हमेशा क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव मेन्यू यूज करते हैं। आपका मेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसको हाइड करने के लिए, इस वाले को हाइड करने के लिए आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये कोड से मतलब CSS के कोड से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। तो ये कोडिंग वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मेन्यू को कैसे हाइड करेंगे। अभी मैंने ये बताया कि आप रिस्पॉन्सिव मेन्यू का प्लगइन यूज करके, यूज करने के बाद जब उसको आप एक्टिवेट करते हैं तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है और आप उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।